तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इक्वलाइजेशन लेवी, अनदर स्मॉल छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और इस साल कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट है, इस वजह से जो है इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन भी एक आ सकता है अपने एग्जाम के अंदर। 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है, सर ये इक्वलाइजेशन लेवी है क्या? आप इसको बेटा ऐसे मानिए कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। फर्स्ट थिंग, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं है, इसको आप डायरेक्ट टैक्स बोलोगे। इसको कई जगह इस टैक्स का भी नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है गूगल टैक्स। काफी सारे लोग इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं सिंपल भाषा के अंदर। आखिर ये क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी चीज क्या है, इंडिया में कब आया, कैसे आया, क्या प्रोविजंस है, एंड ऑल, सारी बातें अपन करने वाले। देखिए बेटा, कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन बढ़ने लगा, हमारी इकोनॉमीज डिजिटलाइज होने लगी है, और धीरे धीरे इंटरनेट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी और उसका यूजेस जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगा। अब कुछ कंपनीज इस डिजिटलाइजेशन का, इंटरनेट का यूज करके अर्निंग करती है, मतलब इंटरनेट के थ्रू वो काफी अर्निंग्स कर रही है वो कंपनीज। अब पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद में अपन इस पर आएंगे। किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी जब उसका पी कहां हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां हो, इंडिया में। भाई कोई आप इनकम वगैरह अर्न कर रहे हो तो एक प्रोविजन छोटा सा है जो आपको पता होना चाहिए कि आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर इंडिया में है तो आपकी इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल करी जाती है। मतलब जिसका पी इंडिया में है ना, तो उसकी तो जितनी भी इनकम्स वो इंडिया से कमाएगा सारी की सारी ही टैक्सेबल हो जाती है। एक छोटी सी लाइन और छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है बहुत बढ़िया, नहीं पता थी तो अभी आप इस बात को पता कर लीजिए। किसी भी नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाएगी, जो भी वो इंडिया से कमाएगा, अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हो, इंडिया में। लेकिन कुछ कंपनीज जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हालांकि ये अपनी सब्सिडरी बना देते हैं, फेसबुक इंडिया, इंस्टाग्राम इंडिया, यूट्यूब इंडिया, ऐसे। लेकिन ये जो मेन कंपनी है इनकी, उनका यहां पर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये तो सब यूएस के अंदर बैठे हैं। अब ये कंपनीज जो है बेटा, ये कंपनीज क्या करती है, आप जब भी इनको चलाओगे, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती है, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। अब ये एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए इनको पैसा कौन देता है आपको? तो आप तो कस्टमर हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, आपको एडवर्टीजमेंट इनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट किसी ना किसी ने तो करवाया भी तो होगा, इसको एडवर्टीजमेंट करवाता कौन? जैसे मान लीजिए हमारे पास में ही कोई ए लिमिटेड की शॉप है, उसने क्या करवाया था, एडवर्टीजमेंट करवाया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के आप हमारा एड दिखाओ, जो भी चलाएगा उसको हमारा एडवर्टीजमेंट दिखाओ। आप काफी सारे एडवर्टीजमेंट आप देखते ही होंगे आपकी डे टू डे नेचर में, कि आप
फेसबुक चलाएंगे तो ऐड है, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड लिख के कुछ चीजें आपको दिखाई जाती है, यूट्यूब पर तो पहले ही आ जाता है। आप वेबसाइट चलाते हैं तो साइड में छोटा सा एक बॉक्स बन के उसमें भी कोई ना कोई ऐड चलता रहता है, जिस चीज के बारे में आपने सर्च करा था रिसेंटली उसी चीज के बारे में आपको ऐड दिखाया जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट कौन दिखा रहा है आपको? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे कुछ लोग दिखा रहे हैं। लेकिन इनको पेमेंट कौन कर रहा है? इनको पेमेंट कर रहा है भारत का ही कोई व्यक्ति। अब होता क्या था कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इंडिया से इनकम अर्न करते थे, जैसे इससे इन्होंने पैसे लिए, ए लिमिटेड ने 50,000 रुपए दे दिए फेसबुक और इंस्टाग्राम, 50,000 की इनकम अर्न करी और अर्न करके निकल लिए, निकल ली, नो टैक्स। क्यों नहीं टैक्स? क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम जो मेन मेन फेसबुक इंस्टाग्राम है वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे, कुछ काम ये अपनी सब्सिडरी जो फेसबुक इंडिया है, गूगल इंडिया है, यूट्यूब इंडिया बना रखे हैं उनसे करवाते हैं, लेकिन मेनली ये काम जो है वो कौन करता था? वो इनकी मेन पेरेंट कंपनी करती थी, तो पैसा उनकी जेब में जाता था और वो टैक्स भी नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि इंडिया का लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो ही देना है आपको, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाती थी। इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, आराम से इनकम कमाई और कोई टैक्स भी नहीं दिया, ये प्रॉब्लम यहां पर हो गई। तो अब ये जो प्रॉब्लम थी इससे छुटकारा पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेकर के आई, इक्वलाइजेशन लेवी नाम का। आखिर ये इक्वलाइजेशन लेवी में किया क्या गया? इसका रास्ता ढूंढा गया कि कैसे हम इन ट्रांजेक्शन्स पर टैक्स लगाए। इसी वजह से फाइनेंस एक्ट 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड प्रोविजन लाए गए, और फाइनेंस एक्ट 2016 से ही इक्वलाइजेशन लेवी गवर्न होती है। आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाके देखोगे ना कि इक्वलाइजेशन लेवी ढूंढ ले कहां लिखा हुआ है, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2016 जो आया था ना, हर साल आते रहते हैं, उसके अंदर इक्वलाइजेशन लेवी, और वो फाइनेंस एक्ट 2016 से ही गवर्न होती चली आ रही है। ऐसे ही पहले एक टैक्स हुआ करता था सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट 1994 से गवर्न होता था, उसका भी कोई सेपरेटली एक्ट नहीं बनाया गया था। इसी तरीके से यहां पर भी क्या किया गया कि इक्वलाइजेशन लेवी के लिए कुछ भी सेपरेट एक्ट वगैरह नहीं बनाया गया, फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर ही इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड प्रोविजन डाले गए। क्या प्रोविजन डाले गए और क्या बातें डाली गई, आइए उसके बारे में देखते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं बेटा, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि आखिर इसको किस तरीके से इंडिया में लाया। देखो बेटा, ये एक कंपनी हमने ले ली फेसबुक, और इधर ले लेते हैं एक, तो ये है टाटा। और ये है ओप्पो, ओप्पो और वीवो के फोन आते हैं आप जानती हो, ये देखो इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड अपन प्रोविजन देख रहे हैं, मेन समझ रहे हैं अभी होता क्या है, फिर प्रोविजंस एंड ऑल उन पर भी आएंगे। इक्वलाइजेशन लेवी बेटा दो प्रोविजंस बनाए गए हैं, सेक्शन 165 और 165 है फाइनेंस एक्ट 16 के अंदर। वहां पर दो दो केसेस, पहले तो एक ही केस था, अभी एक केस रिसेंटली जोड़ा गया इसी फाइनेंस एक्ट से।
क्या बोला गया पहला केस पर बात करते हैं, दूसरे केस पर भी अपन आएंगे, पहले अपन इनका बेसिक पिक्चर समझेंगे, देन अपन प्रोविजंस एंड ऑल पर आएंगे। क्या बोला गया कि यदि कोई नॉन रेसिडेंट, फेसबुक क्या है हमारे लिए, नॉन रेजिडेंट है, जिसका इंडिया में पीई नहीं है, नॉट हैविंग पीई, जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हैं। स्पेसिफाइड सर्विस मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, किसके बिहाव पर कर रहे हैं, ये जो कंपनीज आपको सामने दिख रही है उनके बिहाव पर, या तो वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं किसी रेसिडेंट कंपनी के लिए, रेसिडेंट असेसी के लिए। जैसे यहां पर देखिए, स्पेसिफाइड सर्विस यहां पर मैं लिख देता हूं, एडवर्टीजमेंट की सर्विस, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, और इनसे ये सर्विस ले कौन रहा है, या तो कोई रेसिडेंट, या तो कोई रेसिडेंट इनसे सर्विस ले रहा है, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट इनसे सर्विस ले रहा है जिसका इंडिया में पीई है। तो मान लीजिए टाटा मोटर्स ने क्या करा, टाटा मोटर्स ने कोई नई कार आई, अपनी नई कार का एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर करवाया, इंस्टाग्राम पर करवाया, यूट्यूब पर करवाया, या फिर ओप्पो, ओप्पो नॉन रेजिडेंट है लेकिन उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहां है, इंडिया में है। तो यदि देखो सर्विस देने वाला कौन है, बड़े ध्यान से बात को समझना, सर्विस कौन दे रहा है, एक ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो किसको दे रहा है सर्विस, ऐसे व्यक्ति को जो इंडिया का रेजिडेंट ही है, जब रेजिडेंट हो जाता है तो सारी बात ही खत्म हो जाती है, या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को जिसका इंडिया में क्या है, पीई है। तो अब होगा क्या कि इसने एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी दी फेसबुक ने, तो अब इसको बदले में क्या मिलेगा, भाई आप एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी दोगे तो बदले में क्या मिलेगा, बदले में टाटा इसको पेमेंट करेगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिखाया, और ओप्पो भी इनको पेमेंट करेगा कि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट दिखाया। तो प्रोविजन ये बनाया गया कि जब ये लोग, ये रेसिडेंट या ये नॉन रेजिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया, जब फेसबुक को पेमेंट करेंगे ना, जैसे मान लो लेट से कि ओप्पो पेमेंट कर रहा है 10 लाख रुपए का, तो पेमेंट करते टाइम इस पर एक टैक्स काटेंगे, किसको काटना है, जो पेमेंट कर रहा है उसको टैक्स काटेंगे, उस टैक्स को नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लीव, उस टैक्स को नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लीव, किस रेट से काटेंगे, 6% की रेट इसकी बनाई गई फॉर दिस पर्पस। तो इसका मतलब जब ओप्पो पेमेंट कर रहा होगा तो ओप्पो को 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है, 10 लाख का 6% वो काट लेगा, जस्ट लाइक टीडीएस जैसे कटता है, 10 लाख का 6% 60,000 रुपीज तो ओप्पो काटेगा, काट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, बाकी जो पेमेंट जाएगा वो 9,40,000 फेसबुक के अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा। तो ये 60,000 रुपीज जो डिडक्ट किया गया है, ये होता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट क्या बना कि एक व्यक्ति जो कि नॉन रेजिडेंट है और उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वो इस एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है एडवर्टीजमेंट की सर्विस, या तो किसी रेसिडेंट को दे रहा है या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को ही दे रहा है, लेकिन उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में क्या है, पीई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो वो व्यक्ति रेसिडेंट और जिसका पीई है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट, वो व्यक्ति क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे फेसबुक को, तो पेमेंट करते टाइम उन्हें एक टैक्स काटना है जिसका नाम होगा इक्वलाइजेशन लेवी, इसकी रेट कितनी होगी, 6% होगी। तो ये तो बात हो गई इक्वलाइजेशन लेवी। तो किसके ऊपर लगती है, किस ट्रांजेक्शन पर लगती है, सबसे पहली बात तो ये, जब कोई नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पी नहीं है, वो किस चीज की सर्विस दे रहा है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है,
तब ये इक्वलाइजेशन लेवी लगती है। तो पहली बात, इक्वलाइजेशन लेवी कब लगती है, उसका आंसर मिला। दूसरी बात, इक्वलाइजेशन लेवी की रेट क्या होगी, तो इक्वलाइजेशन लेवी की रेट है बेटा 6%। ये हमको दूसरी बात का जवाब। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे केसेस है जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। सर कौन से केसेस है, आइए जानते हैं बेटा। पहली बात, अगर टोटल मिलाकर के पेमेंट टाटा की तरफ से या ओप्पो की तरफ से साल में अप टू रुपीज 1 लाख ही, 1 लाख तक का ही पेमेंट हो रहा है फेसबुक को, 1 लाख तक का ही एडवर्टिजमेंट करा है, तो कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी, कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी उस केस में नहीं लगेगी। या फिर कोई पर्सनल नेचर का एडवर्टिजमेंट है, कोई पर्सनल नेचर का एडवर्टिजमेंट कराया, जैसे बिजनेस नेचर का नहीं है। देखिए किस तरीके से ये एडवर्टिजमेंट होते हैं, इस पर भी बात करते हैं। पर ये एक व्यक्ति है रामू, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, हुआ क्या देखो बेटा, रामू ने फेसबुक को 5 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवाया है। इससे किस बात के लिए कि रामू का ये घर है उसको सेल करना है, फेसबुक ने ऐड चला दिया, भाई आओ आओ रामू का घर देखो। तो रामू तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है फेसबुक को, और रामू रेजिडेंट व्यक्ति है हमारा, पेमेंट कर रहा है फेसबुक को जो कि एक नॉन रेजिडेंट है और उसका पी इंडिया में है भी नहीं। तो फेसबुक ने रामू को एडवर्टाइजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराई, तो इस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगनी चाहिए। लेकिन बात क्या है बेटा, इक्वलाइजेशन लेवी ओनली बिजनेस नेचर का जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना उसी पर लगती है, नॉन बिजनेस पर नहीं लगती। इसका मतलब सर इस केस में कोई इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगी। वहीं यहां पर अगर रामू अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करा था, यहां पर जैसे मान लो रामू तो ब्रोकर है, रामू तो घर ही बेचने का काम करता है, उसने तो अपना बिजनेस एडवर्टाइजमेंट कराया है, तो फिर बात अलग होती। मान लीजिए किसी ने एडवर्टाइजमेंट चलाया शादी के लिए, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ऐसा पर्सनल नेचर का एडवर्टाइजमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। रामू ने जैसा कि एडवर्टाइजमेंट चलाया मुझे अपना पर्सनल घर बेचना है, इक्वलाइजेशन लेवी बेटा नहीं लगेगी इस केस में। तो ये केस हो गया, 1 लाख रुपए तक है तो नहीं लगेगी, पर्सनल नेचर का है मतलब बिजनेस नेचर का नहीं है तो भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। या फिर जो व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है उसका पी इंडिया में हो, अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो तो भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब किसी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो जाता है ना तो वो तो जो भी इनकम कमाएगा इंडिया से उन सभी पर उसको टैक्स देना ही पड़ता है, वैसे इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा उस केस में। तो अगर मान लो फेसबुक, अगर इंडिया में पी इसका होता फेसबुक का, तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी लगती नहीं, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी लगती कब है, जब कोई नॉन रेजिडेंट जिसका पी इंडिया में नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट दे। सर अगर इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ही हो जाता है, इंडिया में इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इसको वैसे ही हर एक इनकम पर टैक्स देना है। ये बनाया क्यों गया, उस नॉन रेजिडेंट के लिए जिसका पी इंडिया में नहीं होता था, उससे हम टैक्स नहीं ले पाते थे, क्योंकि इंडिया के कानून क्या बोलते हैं कि नॉन रेजिडेंट से आप टैक्स तभी ले पाओगे जब उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में। तो इसीलिए उन लोगों के लिए बनाया गया जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं होता, तो एज पर लो भारत सरकार उनसे टैक्स ले ही नहीं पाती थी, इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट लाया गया और यहां पर ला करके जो है फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर इसका प्रोविजन जोड़ दिया गया। तो ओवरऑल बात को आप जल्दी से बेटा समझ लीजिए,
अपन इसका आगे प्रोविजंस वगैरह नोट करेंगे। कब लगती है इक्वलाइजेशन लेन? जब कोई नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देता है। किसको देता है? या तो किसी रेजिडेंट को देता है या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को देता है जिसका इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। किस रेट से लगेगी? 6% की रेट से लगेगी। अच्छा, इक्वलाइजेशन लेवी भरनी किसे है? ये जो सर्विस ले रहा है ना, या जो पेमेंट करने वाला है, उसी को काटनी पड़ेगी। जस्ट लाइक टीडीएस, जैसे टीडीएस पेमेंट करने वाला काटता है, तो यहां पर टाटा को या ओपो को जब वो फेसबुक को पेमेंट करेंगे तो उन्हें उसमें से क्या काटनी पड़ेगी? इक्वलाइजेशन लेवी काटनी पड़ेगी 6% की रेट से, और गवर्नमेंट को जाके जमा करानी पड़ेगी। आगे पढ़ेंगे, इसकी ड्यू डेट होती है हर महीना खत्म होने के बाद, जो 7 तारीख आती है तब तक जमा करानी पड़ती है। जैसे टीडीएस भी हर महीने के बाद 7 तारीख होता है, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी जो है जमा करवानी पड़ती है जाकर के। कुछ केसेस है जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। अगर 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट हो रहा है पूरे साल में, थोड़ा सा ही 1 लाख तक का एडवर्टाइजमेंट कराया, नहीं लगेगी। दूसरी बात, नॉन बिजनेस है, नॉन बिजनेस काम के लिए आप कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा रहे हो तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी। तो ये अभी तक का बेसिक कंसेप्ट था बेटा पूरा। जल्दी से बताओ क्लियर है कि नहीं, यस और नो, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और क्या होता है, जल्दी से एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए, फिर इसके प्रोविजन शुरू करते हैं। ये सभी को क्लियर है बेटा? सर चलिए आइए अब इसके प्रोविजंस वगैरह नोट करते हैं और उनको समझते हैं डिटेल के अंदर। चैप्टर का नाम इक्वलाइजेशन लीव। कहां से आया? फाइनेंस एक्ट 2016 से आया है, और इनकम टैक्स में नहीं है ये। ये फाइनेंस एक्ट 2016 में ही है जिसके प्रोविजन हमको मानने पड़ रहे हैं और जिसको अपन फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो तो दो केसेस में लगती है। अभी तक अपन ने एक केस समझा है, दूसरा जब आएगा तो दूसरा भी समझेंगे। चलिए पहले तो अपन थोड़ा थियोरेटिकल लिख लेते हैं आखिर हो क्या रहा था। सम कंपनीज लाइक फेसबुक, यूट्यूब आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज बट आर की जगह वर लिख लो क्योंकि अब तो आ चुका है। बट दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्स ऑन सच इनकम एज दे वर नॉट हैविंग टीई इन इंडिया। फॉर इम्पोजिंग टैक्स ऑन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी वॉज इंट्रोड्यूस।
दो केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्ज्ड इन फॉलोइंग टू केसेस, इन दो केसेस के अंदर इक्वलाइजेशन लेवी लगे। फर्स्ट, इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया विलिक इन इंडिया। एक तो ये केस हमको पढ़ना है, एक और केस पढ़ना है इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई, उस केस को। तो ये दो केसेस हमको पढ़ने हैं, ये फर्स्ट केस सेक्शन 165 और सेकंड केस सेक्शन 165 ए। लेटेस्ट है सेकंड वाला केस, फाइनेंस एक्ट 2020 से ही लाया गया है ये वाला केस, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बेटा बनते हैं क्योंकि नया सेक्शन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ प्रोविजंस। तो फर्स्ट केस बेटा आप अपन पढ़ेंगे कि इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, कि कब कैसे और किस पर ये लगता है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। केस वन, इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज क्या केस है बेटा। देखो चलो सिंपल करते हैं इसको ताकि आप प्रोविजन भी बन जाए और एग्जाम्पल की तरह ध्यान भी रहे। नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया, ये क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है या तो रेसिडेंट को या फिर नॉन रेसिडेंट
हैविंग पीई इन इंडिया। क्या दे रहा है? स्पेसिफाइड सर्विसेज। ये स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब होता है बेटा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस या फिर एनी प्रोविजन ऑफ प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस। या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई स्पेस प्रोवाइड करा रहा है या ऐसी ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इक्वलाइजेशन लेवी लगी। फर्स्ट केस ये ऐसा हो गया। नॉन रेजिडेंट जिसका पीई इंडिया में नहीं था वो स्पेसिफाइड सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया को। तो इस केस में ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह की, इनके ऊपर क्या लगेगी? इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज लाइबल टू पे इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी पेमेंट करने के लिए आखिर लाइबल किसको बताया गया? कौन जिम्मेदार होगा? तो जो पेमेंट कर रहा है वही जिम्मेदार है, लेकिन टैक्स उसी का कट रहा है जो भाई इनकम कमा रहा है उसका। तो यूं बोल सकते हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया क्या? ये कहां से आ गया ये कंसेप्ट? पे तो अपन कर रहे हैं पर है किसी और का। वो तो जीएसटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है डेस्टिनेशन, यहां तो कोई लेना देना ही नहीं इस। तो ये किसको पे करनी है इक्वलाइजेशन? ये डायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दोनों में फर्क है। यहां तो डायरेक्ट टैक्स टीडीएस की तरह हो गया है। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया, इनको क्या करना है? डिडक्ट करना हैज टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के टाइम पर इनको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा किस रेट से डिडक्ट करनी पड़ेगी बताओ? क्या रेट है इक्वलाइजेशन लेवी की? 6%, यस 6% की रेट से डेबिट कर। 6%, तो हम अगला सवाल आता है, रेट क्या है? रेट ऑफ एक इक्वलाइजेशन लेवी। तो उसकी रेट है 6%। 6% की रेट है ऑन अमाउंट पेड। ऑन अमाउंट पेड 6% ऑन अमाउंट पेड
टू नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया, उस पर 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी होगी। After deducting equalization levy it should be deposited to the government by 7th of next month, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करा देनी है इक्वलाइजेशन लेवी। अगला, जब इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं होगी, वो केस कौन कौन से थे? तीन केस थे, आए देखते हैं। केसेस व्हेन इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी एप्लीकेबल, फर्स्ट केस इफ नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग सर्विस Having PE in India, जो सर्विस दे रहा है उसका इंडिया में PE है तो लगती नहीं, वो लगती तब है जब कोई नॉन रेजिडेंट जिसका PE इंडिया में नहीं है वो सर्विस दे। सेकेंड पॉइंट क्या था बताओ? अप टू 1 लाख। यस, 1 लाख रुपीज तक है तो नहीं लगेगा। इफ एग्रीगेट पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज अप टू रुपीज 1 लाख इन प्रीवियस, पूरे साल में मिला के 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट हुआ है तो भी नहीं लगे। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज is not for business purpose, भैया personal purpose के लिए जैसे वो घर का ऐड था, इन सारे केसेस में बेटा नहीं लगे। अब अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी टाइम पर डिपॉजिट नहीं कराते हो तो कुछ छोटी मोटी इंटरेस्ट और पेनल्टीज भी है, वो अपने पास में अभी टाइम कम है तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसमें ये पूरा भी हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे पूरा, बहुत जल्दी टाइम हो गया। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। यस बेटा, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। हम पढ़ रहे थे इक्वलाइजेशन जिसको हम गूगल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इक्वलाइजेशन लेवी आखिर क्या है? ये एक प्रकार का टैक्स था, दो केसेस के अंदर लगता है। पहले केस पर अपन बात कर रहे थे, किस केस में लगता है? अगर कोई नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, वो स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहा है किसी रेसिडेंट को या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो इस केस में इक्वलाइजेशन लेवी लगी। 6% की रेट से लगेगी। भरने की जिम्मेदारी किस पर है? जो सर्विस ले रहा है उसी पर है। जैसे कल अपन ने एग्जाम्पल देखा था, फेसबुक ने सर्विस दी टाटा और ओप्पो को। टाटा रेजिडेंट है, ओप्पो एक नॉन रेजिडेंट है जिसका पीई इंडिया में है मान लीजिए,
तो इस केस में होगा क्या, टाटा और ओप्पो जो भी पैसा फेसबुक को पेमेंट करेंगे उसके ऊपर 6% की रेट से इनको इक्वलाइजेशन लेवी काटनी होगी। कुछ केसेस थे जब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटनी पड़ेगी, अगर टोटल पेमेंट जो साल में हो रहा है वो 1 लाख रुपए तक ही हो रहा है तो नहीं काटनी पड़ेगी, लेकिन 1 लाख से ऊपर गया, 1,10,000 हो गया तो कितने पर इक्वलाइजेशन लेवी कटेगी, 1,10,000 पर पूरे पर कटेगी इक्वलाइजेशन लेवी। और अगर नॉन रेजिडेंट का पी इंडिया के अंदर है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो ये कंसेप्ट लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर उसका पी इंडिया में है तो उसकी इनकम ऑलरेडी इंडिया में ही टैक्सेबल हो जाती होगी, इस वजह से नहीं लगेगा। ये सारी बातें अपन ने देखी थी। ई कॉमर्स सप्लाई तो अब हमको पढ़ना है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है। हमने देखा था पर्सनल नेचर का एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो नहीं लगेगा, ओनली बिजनेस नेचर के एडवर्टीजमेंट पर ही इक्वलाइजेशन लेवी लगती है। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए थे कि कब इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगी, कब इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं होगी। अब इससे आगे पढ़ेंगे और इंटरेस्ट की बात करेंगे कि आखिर इंटरेस्ट कितना लगता है अगर हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं जो ड्यू डेट बताइए। ड्यू डेट क्या है? हर महीने के बाद 7 तारीख जो आती है तब तक हमें पेमेंट करना होता है। अगर हम उस ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या लगेगी? इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी लगेगी। तो आओ बेटा उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानने वाले हैं इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। या तो हम पेमेंट नहीं करते हैं, या तो हम पेमेंट नहीं करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी का, या फिर हम उसको डिडक्ट ही नहीं करते। जैसे टीडीएस होता है ना, या तो टीडीएस पेमेंट ही नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, दो केस हो सकते हैं। तो उन केसेस में देख रहे हैं कि हम क्या इंटरेस्ट है क्या पेनल्टी। इंटरेस्ट तो कैसे लगेगा? आप लेट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कब से लगेगा? ड्यू डेट के बाद से। हर महीने के बाद की 7 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है, आप लेट हो गए, ठीक है। आपने मान लो 5 दिन का भी अगर लेट कर दिया तो 1% पूरे महीने का लग जाएगा, क्योंकि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ बोला गया है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हो तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपके ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। दूसरी तरफ बात आती है कि आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी। तो पेनल्टी दो बातों के लगेगी। पहली बात, अगर डिडक्ट किया ही नहीं तो उसकी पेनल्टी लगेगी, और दूसरी चीज, अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो भी उसकी भी पेनल्टी लगेगी। देखो, इंटरेस्ट तो आपने लेट जमा कराया उस पर लगता है, पेनल्टी किस पर लगती है? अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करी तो एक तो उसकी है, और डिडक्ट करके पेमेंट नहीं करी तो एक उसकी और है। तो दो पेनल्टीज है टोटल। कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी अगर हमने डिडक्ट ही नहीं करी? अगर अपन ने डिडक्ट ही नहीं करी तो पेनल्टी पता है कितनी लगेगी? पहली बात तो हमको इक्वलाइजेशन लेवी जो डिडक्ट नहीं करी वो खुद की जेब से डिपॉजिट करानी। जनरली तो क्या होता है, ओप्पो वीवो जो पेमेंट, ओप्पो और टाटा जो पेमेंट फेसबुक को कर रहे होते हैं उसमें से वो क्या करते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी का पैसा काट लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देते। लेकिन अगर इन लोगों ने इक्वलाइजेशन लेवी काटी नहीं तो फिर क्या होगा? इस केस में इनको खुद की जेब से इक्वलाइजेशन लेवी जमा करानी है। फॉर एग्जाम्पल, 10 लाख का पेमेंट टाटा की तरफ से फेसबुक को किया गया, तो 10 लाख का 6%, पहली बात तो ये 60,000 की इक्वलाइजेशन लेवी भरनी पड़ेगी, प्लस इतने के ही
पेनल्टी लग सकती है, इतने की ही पेनल्टी लग जाएगी आपकी, तो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेगी। ये बात होगी अगर आपने डिडक्ट ही नहीं करी, भाई काटी नहीं हम तो भूल गए। दूसरा केस, आपने इक्वलाइजेशन लेवी का जो लेट पेमेंट किया है, लेट पेमेंट पर दो चीजें हैं, एक इंटरेस्ट तो है ही और एक पेनल्टी हो रही। बोला देखो लेट जमा करा रहे हो, एक तो इंटरेस्ट दो पहले, अब चलो आओ पेनल्टी भी दो। पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी है 1,000 रुपये पर डे की, 1,000 पर। लेकिन ये इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने 65 डेज का डिले कर दिया, तो 65 डेज के डिले पर एक तो इंटरेस्ट लगेगा पहली बात, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से, प्लस पेनल्टी भी लगेगी। कितनी लगेगी? 1,000 रुपीज पर डे, मंथ नहीं, डे। पर डे के हिसाब से तो पेनल्टी बन रही 65,000 की, लेकिन 65,000 आपको पे नहीं करने, आपको कितने करने? 60,000। पेनल्टी इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकती, ज्यादा नहीं हो सकती। तो आओ बेटा इन दोनों को पढ़ते हैं, इंटरेस्ट को पढ़ते हैं एक तो, और एक पेनल्टी को पढ़ते हैं। तो दो चीजें यहां पर निकल करके आती है। फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, पहली बात तो इंटरेस्ट लगेगा अगर आप लेट जमा कराते हो, लेट पेमेंट करते हो। किस रेट से लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ दी। इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1 महीना 10 दिन हो गए तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1-1% करके 2% का लग जाएगा। ध्यान रखें, नेक्स्ट बात करते हैं, पेनल्टी फॉर, एक तो डिलेड डिपॉजिट की लगेगी, ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी एंड, एक तो डिले करा या फिर आपने डिडक्शन ही नहीं करा, एंड की जगह और कर लो, और फॉर नॉन डिडक्शन, ऑफ इक्वलाइजेशन। ये दो चीजें, अब दोनों को देखो कितनी कितनी लगेगी। अच्छा डिलेड पेमेंट को ये भी तो बोल सकते हैं कि आपने पेमेंट ही नहीं करा, ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से। एक तो केस बनता है नो डिडक्शन का, पहले अपन नो डिडक्शन का केस देखते हैं। आपने पेन काटी नहीं, इक्वलाइजेशन ले ली, भूल गए, पता ही नहीं था, तो असेसी को कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ई
ईसीएल से जो हमारा मतलब है वो इक्वलाइजेशन लेवी है। तो दूसरा आता है नॉन पेमेंट अप टू ड्यू डेट, ये आपने काटी नहीं तो एक बात अलग, और अगर आपने काट ली लेकिन जमा नहीं कराई तो ये दूसरी पेनल्टी हो, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अप टू ड्यू डेट। ड्यू डेट तक आपने पेमेंट किया ही नहीं, तो कितनी पेनल्टी लगेगी? ₹1,000 पर डे के हिसाब से, लेकिन ये इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। However, it cannot exceed amount of equalization levy. और इधर वाले में अपन ने पेनल्टी तो पढ़ ली कि इक्वलाइजेशन लेवी के बराबर लगेगी, और हमने जाना था ना कि वो 60,000 भी उसको अपनी जेब से जमा कराने, फिर उसके ऊपर पेनल्टी और देनी है असेसी हैज टू डिपॉजिट। इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम हिज पॉकेट एज वेल, उसको उसकी जेब से जमा करानी है भाई, पॉकेट से जमा होगी उसकी। ये बात है बेटा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटी तो जितनी इक्वलाइजेशन लेवी बन रही थी वो तो आपको जमा करानी है, उसके बराबर की पेनल्टी भी हो। अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया तो क्या होगा? ₹1,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती रहेगी जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक, लेकिन वो इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये था बेटा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और हमारा केस वन भी हो गया है इसी के साथ साथ पूरा। अब हमको जाना है केस टू के ऊपर, तो आओ बेटा केस टू के पास में चलते हैं। वो भी छोटा सा ही केस है और कोशिश करते हैं कि उसको इसी क्लास में खत्म कर ले। इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई, इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई। देखिए बेटा इसका क्या प्रोविजन है, क्या मतलब, आइए अपन इसको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। ये हमारा एक ई कॉमर्स सप्लाई करने वाला है अलीबाबा। अलीबाबा ही क्यों लिया सर आपने, अमेजोन क्यों नहीं लिया, फ्लिपकार्ट क्यों नहीं लिया, अभी आप रीजन जान। और ये है अपने विराट कोहली जो कि क्या है, रेसिडेंट है। और ये है हमारे एबी डिविलियर्स जो कि क्या है, हमारे नॉन रेसिडेंट है। देखिए बेटा केस क्या है यहां पर, उस बात को समझ। अलीबाबा, क्या अलीबाबा रेसिडेंट है इंडिया में?
अलीबाबा रेजिडेंट तो नहीं है सर, नॉन रेजिडेंट है सर। तो देखो ये जो केस लगने वाला है ई कॉमर्स सप्लाई पर, ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हो गुड्स वगैरह, तो उसके ऊपर ये लगता है। कैसे लगता है देखो, पहले तो कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है हु इज नॉट हैविंग पीई इन इंडिया, ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जैसा कि अलीबाबा। और वो क्या करता है, सप्लाई कर रहा है या तो किसी रेसिडेंट को या तो किसी रेसिडेंट को। या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को जो कि इंडिया का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल एबी डिविलियर्स क्या कर रहा है, एबी डिविलियर्स आईपीएल खेलने आया हुआ है यहां पर इन इंडिया फॉर आईपीएल, आईपीएल के लिए इंडिया में ही है, अभी मुंबई में है फॉर एग्जाम्पल। तो और इसने कोई ऑर्डर किया अलीबाबा की वेबसाइट से और अलीबाबा ने गुड्स डिलीवर कर दी। अब वो गुड्स डिलीवर कहां हो रहे हैं ये तो कुछ नहीं बोला है, मतलब अलीबाबा चाहे इसके घर वहां साउथ अफ्रीका में डिलीवर करे या यहां इंडिया के होटल में मंगाए, दोनों को कवर किया गया। कोई नॉन रेसिडेंट ऑर्डर करता है यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। आईपी एड्रेस आई थिंक आप सभी जानते होंगे, आप इंटरनेट चलाते हो तो आप इंटरनेट चलाते टाइम हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे लोकेशन वगैरह पता चलती रहती है, आप कुछ भी काम कर रहे हो कहां से हुआ है क्या हुआ है, इस तरीके से एक तरीके से इंटरनेट पर आपका एड्रेस आईपी एड्रेस होता है। तो देखो क्या बोलता है, कोई नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका इंडिया में पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है या तो किसी रेसिडेंट को या फिर किसी नॉन रेसिडेंट को जो कि इंडिया का पीई यूज करके ऑर्डर कर रहा है, इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके ऑर्डर कर रहा है। इन दोनों में से अगर कोई भी केस होता है तो इस ट्रांजेक्शन पर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी। फर्स्ट वाले केस में क्या था कि जो सर्विस ले रहा था मतलब पेमेंट करने वाला व्यक्ति इक्वलाइजेशन लेवी काटता, यहां पर प्रोविजन को अलग कराए, क्यों करा सोचो, खरीदने वाले तो कितने सारे कस्टमर है, लाखों करोड़ों कस्टमर है अलीबाबा के, तो अब उनसे जाकर के एक-एक से आप कलेक्ट करो इक्वलाइजेशन लेवी, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, नंबर्स बहुत ज्यादा है। तो जहां नंबर्स ज्यादा होते हैं ना, वहां गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे व्यक्ति पर जिम्मेदारी डालती है जिनके नंबर्स कम हो और वो काम आराम से करते, जैसे सैलरी पर टीडीएस की जिम्मेदारी किसको दे रखी है, कंपनी को दे दी, सैलरी पर नॉर्मल लोगों को टैक्स भरने को नहीं बोला क्योंकि नॉर्मल लोग बहुत सारे हैं, इसलिए कंपनीज को बोल दिया तुम ही टीडीएस काट लेना ताकि टैक्स आराम से आए। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है किसको काटनी पड़ेगी, अलीबाबा को काटनी पड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि उधर तो टाटा और ओप्पो काट रहे थे, इधर उल्टा अलीबाबा काटेगा, या फिर यूं बोले काटेगा क्या, खुद की जेब से जमा करानी है इनको, पेमेंट करते इनसे पेमेंट लेते टाइम वगैरह कुछ नहीं होगा, यहां एक तरीके से नॉर्मल टैक्स बन गया है, नॉर्मल टैक्स बन गया एक तरीके से अलीबाबा हैज टू डिपॉजिट इक्वलाइजेशन लेवी, फर्स्ट थिंग तो ये। और उसकी रेट क्या होगी, इक्वलाइजेशन लेवी की रेट यहां पर सर सेम है या अलग है, बेटा यहां पर रेट अलग है, यहां पर रेट रखी गई एट द रेट 2%, 2% की रेट से अलीबाबा को क्या करना पड़ेगा,
अलीबाबा को इक्वलाइजेशन लेवी जो है डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अलीबाबा ने 10 करोड़ के गुड्स बेचे तो 10 करोड़ का 2% करके उसे इंडियन गवर्नमेंट को जमा करवा देना हो गया। लेकिन बेटा यहां पर बोला गया है कि अगर आपकी सेल्स पूरे साल में मिलाकर 2 करोड़ तक की ही आपने करी है, अप टू ₹2 करोड़ है, तो इस केस में आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट काटने की डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूं बोल सकते हैं नो नीड टू डिपॉजिट। आप बेटा चाहे तो मेरे साथ में ये एग्जांपल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फोटो तो नहीं ला सकते तुम, लेकिन यहां पर नेम का यूज कर सकते हो। इक्वलाइजेशन लेवी इफ सप्लाई इज अप टू ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक अगर आपकी सप्लाई है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है। ये बात यहां पर कही गई, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया, बताइए जल्दी से, ये जो मेन चीज है ये आपने नोट कर लिया? ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आती है कि इसमें इक्वलाइजेशन लेवी कब कटेगी। ये तो अपन ने एग्जांपल के थ्रू देख लिया, अब इसको लिख लेते हैं। या ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, प्रोवाइड कराने वाला कौन होना चाहिए, सप्लाई, और किसको होनी चाहिए, या आप आई थिंक बेटर समझ सकते हो इससे। व्हेन अ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग PE in India provides supply of goods and ये भी recently add हुई है ये वाली चीज Finance Act 20 से, तो इसका question आ सकता है। Goods and services टू अ रेसिडेंट पर्सन और टू अ पर्सन हु इज यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया फॉर ऑर्डरिंग। ये मेन प्रोविजन हो गया बेटा। नेक्स्ट बात आती है रेट। रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी की रेट क्या होगी इस केस। रेट 2% होगी। नॉट, ये इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट किसको करानी है, जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका इंडिया में पीई नहीं है उसको करानी है। इक्वलाइजेशन लेवी has to be deposited
बाय। नॉन रेजिडेंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज नॉट हैविंग टीई मतलब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी नहीं, इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी चार्ज्ड इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस हैं जिनमें इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज ही नहीं। पहला पहला तो यह है कि अगर नॉन रेजिडेंट का पीई इंडिया में हो, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो, तो जिसका पीई इंडिया में होता है उसको तो सारी इनकम्स पे टैक्स देना है जो इंडिया से कमा रहा है उनके ऊपर। तो सिंपल सी बात है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इफ नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग पीई इन इंडिया, फर्स्ट केस। एग्रीगेट टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू स्पेसिफाइड पर्सन इज लेस देन ₹2 करोड़। 2 करोड़ से नीचे नीचे है तो ठीक है, 2 करोड़ तक, एक 2 करोड़ एग्जैक्ट भी हो गया ना तो भी लग जाए, 2 करोड़ से नीचे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, इफ इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्जेबल अंडर केस वन, केस वन में चार्ज हो रही है, मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह ऑलरेडी केस वन में कोई चार्ज हो रहा है ट्रांजिशन, तो फिर वो यहां केस टू में आकर के नहीं हो सकता टैक्स। आगे बढ़ते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी हैज टू बी डिपॉजिटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक मिनट बताता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस हर क्वार्टर के हिसाब से, उसमें तो महीने के बाद 7 तारीख, इसमें क्वार्टर के बाद की 7 तारीख है, आखिरी वाले क्वार्टर में जाता है क्वार्टर और उनकी ड्यू डेट्स। जून क्वार्टर है लेट से 7 जुलाई तक, सितंबर एंड वाला क्वार्टर 7 अक्टूबर तक,
दिसंबर एंड वाला क्वार्टर, 7 जनवरी तक, और मार्च एंड का जो क्वार्टर है उसमें अगला महीना भी नहीं दिया, बोला इसी महीने में दो, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक ही कराना। ये बात बेटा बोली गई। तो ये बात हो गई कि किस रेट से लगेगी, कब तक आपको डिपॉजिट करा देनी है। अगेन अगर इसमें लेट हुआ तो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कितनी है उसके बारे में जान लेते। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अगर लेट पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाए। नेक्स्ट थिंग, पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट अप टू ड्यू डेट। सर इसमें नॉन पेमेंट ही क्यों आया, नॉन डिडक्शन क्यों नहीं आया? तो नॉन डिडक्शन है ही नहीं इसमें, काटनी तो किसी को होती नहीं है, इसमें डिपॉजिट करानी होती है खुद की पॉकेट से, तो इसलिए इसमें काट ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं किया, वो आएगी। इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी का जो अमाउंट है उसके बराबर की आपको क्या देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो आपको इक्वलाइजेशन लेवी तो जमा करानी है। इन एडिशन टू ओरिजिनल इक्वलाइजेशन, एडिशनल जमा कर, ये है बेटा। अभी अपना वैसे टाइम हो गया, इसमें 15-20 मिनट का कंटेंट और बचा है जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और होपफुली अपन हो सकता है न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करें। इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा, इससे एमसीक्यू बनने के ज्यादा चांसेस है फॉर सीएमए फाइनल पर्पस। ध्यान रखें एमसीक्यू के ज्यादा पर्पज है, ये रेट्स ये पेनल्टीज पूछी जा सकती है आपसे, और या फिर थ्योरेटिकल में नोट लिखने के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल बनने के चांसेस कम है क्योंकि वैसे बन भी नहीं रहा है, फ्रेमिंग हो भी नहीं रही है ऐसा कोई प्रैक्टिकल। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे केस नंबर 2 के बारे में, केस नंबर 2 जिसमें कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो ई कॉमर्स सप्लाई कर रहा है, और किसे प्रोवाइड कर रहा है, किसे सप्लाई कर रहा है, या तो किसी रेजिडेंट को या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को जो इंडिया के आईपी एड्रेस का यूज करके ऑर्डर कर रहा है। तो ऐसे नॉन रेजिडेंट को 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करानी है खुद की पॉकेट से, क्योंकि काट तो सकता ही नहीं, ये तो पेमेंट लेने वाला है, जब पेमेंट लेने वाले को जमा करानी पड़ती है तो कुछ डिडक्ट तो कर ही नहीं सकता, खुद की पॉकेट से ही जाएगी। इस केस में अली बाबा को जो है वो इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट करानी होगी 2% की रेट से। हाँ अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पीई है या सप्लाई 2 करोड़ रुपए तक की ही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है, आपको ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटनी और ना ही डिपॉजिट करवानी होगी। और अगर आप ऑलरेडी केस वन में कवर हो तो ऑब्वियस है आप यहां कवर नहीं होंगे। अब आपको ये डिपॉजिट कैसे करानी है, वो फर्स्ट केस में तो मंथली करानी होती है और इसमें क्वार्टरली करानी होती है, हर क्वार्टर एंड होने के बाद जो 7 तारीख आती है तब तक जमा कराना होता है,
मार्च वाले महीने के लिए 7 अप्रैल नहीं बोला, उसके लिए क्या बोला है, 31 मार्च ही बोल दिया कि उसी महीने की आखिरी तारीख तक कराओ। अगर आप डिलेड पेमेंट करते हो तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और डिलेड पेमेंट पर साथ ही साथ में पेनल्टी भी लगेगी जो कि इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी जमा करानी है प्लस उसके ऊपर पेनल्टी भी करानी होगी। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली बात है सेक्शन 167। ये सिर्फ इतना नहीं लिख सकते, जैसा मैंने बताया इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 से आई भी है, तो ये 167 भी किसका है, इनकम टैक्स एक्ट का नहीं है, कहां का है, फाइनेंस एक्ट 2016। अब ये क्या बोलता है देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स में जैसे है डिपॉजिट कराने के बाद में क्या करते हो, इनकम टैक्स डिपॉजिट कराने के बाद ईयर एंड पर एडवांस वगैरह में जो भी जमा कराना है करा लिया, लेकिन फिर रिटर्न भी तो भरना होता है। इसी तरीके से आपको इक्वलाइजेशन लेवी का भी क्या भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। तो सेक्शन 167 बेटा बनाया गया है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न का। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न का रिटर्न भरने के लिए बेटा क्या ड्यू डेट है, क्या टाइम पीरियड है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, हर साल खत्म होने के बाद में, हर साल खत्म होने के बाद में 30 जून तक आपको इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और एक फॉर्म नंबर 1 बना रखा है, स्पेसिफिकली फॉर्म नंबर कुछ बना रखे हैं इक्वलाइजेशन लेवी के लिए, तो फॉर्म नंबर 1 होगा वो, उसके अंदर आपको जाकर के इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भरना पड़ेगा हर साल खत्म होने के 30 जून तक। अगर सर नहीं भर पाए तो क्या जैसे इनकम टैक्स में बिलेटेड रिटर्न भरता है वैसे ही यहां पर भर सकता है क्या? बिल्कुल बिलेटेड रिटर्न भी आप भर सकते हो यहां पर। टाइम पीरियड क्या है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका चल रहा था प्रीवियस ईयर वो एंड होने के 2 साल बाद तक भी आप क्या कर सकते हो, 2 साल बाद तक भी आप क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। तो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट है हमारी 30 जून। छोटा सा थियोरेटिकल एमसीक्यू ज्यादा बनने के चांसेस है, मैंने आपको बार बार कहा है इन टॉपिक से। बड़ा क्वेश्चन बनेगा या तो कि व्हाट आर द पेनल्टी इंटरेस्ट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी, या तो थियोरेटिकल 4 नंबर का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनेगा आपका, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, या फिर एमसीक्यू बनेगा यहां से, और एमसीक्यू भी 2 नंबर का होता है, अपना 1 नंबर का तो होता नहीं, तो एक एक एमसीक्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा है अपने लिए। चलिए बेटा इस सेक्शन के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा कि हमको रिटर्न कब तक फाइल करना है। एवरी असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर has to file return for equalization levy under form number 1। form number बेटा ध्यान रखें, on or before 30th June of immediately following financial year, ये तो हो गई ड्यू डेट। अब इस ड्यू डेट तक अगर कोई नहीं भर पाया तो क्या बिलेटेड भर सकता है, या फिर गलती हो गई तो रिवाइज भी कर सकता है क्या? यस कर सकता है।
तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है, विदर बिलेटेड या फिर रिवाइज्ड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। तो हमारा जवाब क्या है, यस फाइल किया जा सकता है, यस बिलेटेड या फिर रिवाइज्ड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर इक्वलाइजेशन। अब फाइल किया जा सकता है तो ड्यू डेट क्या है, 2 ईयर्स। कहां से 2 ईयर्स, जिस साल में आपने सर्विसेज दी थी, उस सर्विसेज में जो भी आपने सप्लाई करी थी, सर्विसेज ली थी, जो भी है वॉट एवर, एडवर्टीजमेंट की सर्विस लेने वाला जमा कराता है फर्स्ट केस में। सेकंड केस ये जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कराता है, तो असेसी को रिटर्न भरना है। कब तक भरना है, ये जो ट्रांजेक्शन बताए गए हैं, जिस साल में ये ट्रांजेक्शन कर रहे थे उसके एंड होने के 2 साल तक भी आप है इसको फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना 2 साल कहां से बोले गए, जिसमें आपने ये ट्रांजेक्शन किए थे उस फाइनेंशियल ईयर, जैसे 19, 20, 21, 22 वॉट एवर किसी भी साल में होगा। तो इस साल में आपने सर्विस दी 2021 में, तो 2021 के एंड होने के बाद के 2 साल तक, मतलब 22 और 23, 31 मार्च 2023 तक जो है आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न भर सकते हो, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन विच स्पेसिफाइड सर्विसेज वॉज प्रोवाइडेड। ये बात हो गई सेक्शन 167 की, छोटा सा सेक्शन। ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 30 जून। साल खत्म होने के बाद जो 30 जून आता है तब तक आपको रिटर्न भर देना होता है इक्वलाइजेशन लेवी का सेपरेटली। डिपॉजिट कब करानी है, फर्स्ट केस है तो हर महीने के बाद की 7 तारीख, सेकंड केस में कब करानी थी, हर क्वार्टर के बाद की 7 तारीख। हालांकि मार्च के लिए क्या डेट दी गई है, 31 मार्च, ये ध्यान रखें। 167 के बाद में हम चलते हैं बेटा 168 सेक्शन की तरफ। कोई ज्यादा काम का सेक्शन नहीं है 168। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, अब जब रिटर्न फाइल कर दिया जाएगा तो उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर की तरफ से, रिटर्न को चेक किया जाएगा। अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, बात खत्म, अगर कोई एरर मिलती है तो उस एरर को ठीक करना होगा असेसी को, एरर को ठीक करना होगा असेसी को। और मान लो रिटर्न प्रोसेस करने के बाद तो पता चले कि हमें असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि और टैक्स लेना है या कोई इंटरेस्ट लेना है या कोई पेनल्टी लेना है, तो वो इसके लिए डिमांड इश्यू करेगा फॉर्म नंबर 2 के अंदर। असेसी फॉर्म फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है फॉर्म नंबर 1 में, और अगर इसके बाद में प्रोसेसिंग होती है रिटर्न की आगे फर्दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, एओ के पास में, और इस प्रोसेसिंग के दौरान कोई डिमांड लेनी है और इक्वलाइजेशन लेवी लेनी है, इंटरेस्ट लेना है, तो इसकी डिमांड एओ जो है असेसिंग ऑफिसर वो कौन से फॉर्म में मांगेगा, फॉर्म नंबर 2 में मांगेगा। बस इतनी सी काम की बात है, आइए इसको लिख लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, सेक्शन की इंपॉर्टेंस भी कम है।
वेयर अ स्टेटमेंट या फिर यूं बोले रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 167 बाय असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड अंडर सेक्शन 160। अगर अब इस प्रोसेसिंग के दौरान कोई अर्थमेटिकल एरर निकल जाती है तो उसको रेक्टिफाई करना होगा। इफ देयर इज अर्थमेटिकल एरर देन इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। अब चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है या गलत है, कुछ भी हो सकता है रिटर्न की प्रोसेसिंग में, या तो ठीक निकलेगा या गलत निकलेगा। इसकी इंटीमेशन एक साल के अंदर अंदर देनी होगी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, एक साल के। जैसे ध्यान से सुनो, एक साल कहां से गिनेगा? मान लीजिए 2021 में तो आपने सर्विसेज दी, ट्रांजेक्शन करे, तो आपके लिए लास्ट डेट क्या है? 30 जून 2021 रिटर्न की। अब आगे रिटर्न प्रोसेसिंग होगा, रिटर्न प्रोसेसिंग के बाद में सही है गलत है, क्या है भाई, एक्स्ट्रा डिमांड बन रही है, क्या बन रहा है, ये कब तक देगा असेसिंग ऑफिसर? ये वाला साल खत्म होने के बाद एक साल, मतलब 21-22 के बाद उसको मैक्सिमम एक साल और है, मतलब 31 मार्च 2022 तक वो चाहे तो इंटीमेशन दे सकता है। जनरली बहुत जल्दी आ जाती, इतना टाइम लगता नहीं है। तो जिस साल में रिटर्न फाइल करा है वहां से एक साल, उस ईयर के एंड होने के एक साल के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर जो है क्या करेगा, इंटीमेशन दे देगा। तो देखिए क्या बोला, इंटीमेशन हैज टू बी सेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कहां से गिनना है विद इन 1 ईयर? 1 ईयर कहां से गिनना है भाई? जिस साल में आपने रिटर्न फाइल कराता वहां से। और अब अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह है तो वो असेसिंग ऑफिसर फॉर्म नंबर 2 में मांगेगा। इफ देयर इज एनी इंटरेस्ट पेनल्टी इज पेबल, कोई इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह पेबल है, बन रही है आपकी इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह, तो उसकी जो डिमांड है वो फॉर्म नंबर 2 में जाएगी। देन डिमांड अंडर फॉर्म नंबर 2 हैज टू बी सर्व्ड अपॉन असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर।
ये बात हो गई बेटा अपनी रिटर्न प्रोसेस। रिटर्न भरा सबसे पहले 167 में, उसके बाद में 168 में उसकी प्रोसेसिंग हो गई। सब ठीक है, इंटीमेशन आ जाएगी ऑल ओके। सब ठीक नहीं है तो डिमांड आ जाएगी फॉर्म नंबर 2 के अंदर। 168 के बाद में चलो आगे की बातें पढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अगर रिटर्न लेट भरा जाता है तो पेनल्टी कितनी लगेगी। ध्यान, अपन ने सर पहले भी पेनल्टी पढ़ी, यहां फिर से पढ़ रहे। पहले पेनल्टी किसकी पड़ी थी? इक्वलाइजेशन लेवी डिपॉजिट नहीं कराई या लेट डिपॉजिट कराई उसकी। अब पेनल्टी किसकी पड़ेंगे भाई? रिटर्न लेट भरा तो क्या, जैसे इनकम टैक्स में टैक्स लेट भरोगे तो पेनल्टी अलग है, इंटरेस्ट भी लगता है पेनल्टी भी लगती है, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स का रिटर्न लेट भरोगे तो भी अलग से पेनल्टी लगती है। तो इसी तरीके से अगर इक्वलाइजेशन लेवी लेट भरोगे करोगे तो पहले जो पेनल्टी थी वो लगेगी। और अगर हम ये इक्वलाइजेशन लेवी का रिटर्न भी लेट भरते हैं तो इसकी पेनल्टी अलग से सेक्शन 172 के अंदर। सेक्शन 172 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। सर पेनल्टी कितनी लगेगी? 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी बेटा, जब तक आप रिटर्न नहीं भर देते। कब से गिनी जाएगी पेनल्टी? जो आपकी ड्यू डेट थी 30 जून, 30 जून के बाद से गिनी जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रिटर्न भरने के लिए असेसिंग ऑफिसर भी आपके ऊपर नोटिस इश्यू कर सकता है, आपने रिटर्न भराई नहीं, या फिर वो चाहता है कि आप रिटर्न भरो, ठीक है, वॉट एवर द कंडीशन। तो वो नोटिस इशू करके भी आपको 30 दिन का टाइम दे सकता है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, अगर नोटिस आता है रिटर्न भरने का। और फिर वो 30 दिन में नहीं भरते हो तो उसके बाद भी 100 रुपए की पेनल्टी। लेकिन हमको, हमारे लिए जो मेन बात है वो यही है, 30 जून तक अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो उसके बाद 100 रुपए की पेनल्टी है। या फिर असेसिंग ऑफिसर भी नोटिस इशू कर सकता है आपको रिटर्न भरने के लिए कि रिटर्न भरो, और वो कितना टाइम देगा? 30 दिन का टाइम देगा। अगर उस 30 दिन में भी आप नहीं भरते हो तो उस 30 दिन के बाद भी कितनी पेनल्टी लगेगी? 100 रुपए की ही पेनल्टी लगेगी। तो रिटर्न की पेनल्टी क्या है? पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज ₹100 पर डे। 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। कहां से गिनी जाएगी? पेनल्टी इज लेवीड इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। और ड्यू डेट क्या है? 30th जून, 30 जून के बाद भरो। और वैसे तो एक और केस है, एक और केस क्या है सर? अगर एओ ने नोटिस इश्यू करा था तो उसमें भी 30 दिन दिए जाते हैं, तो 30 दिन तक वो भी नहीं भरा तो भी पेनल्टी लगेगी। लिख लो चलो इसको भी, और इफ नोटिस इश्यूड बाय असेसिंग ऑफिसर एंड रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन 30 डेज। तो अगर 30 जून तक नॉर्मली रिटर्न नहीं भरा तो, और मान लीजिए रिटर्न भरने के लिए नोटिस आया था असेसिंग ऑफिसर से, तो 30 दिन के अंदर नहीं भरा तो भी लगी। चलिए अब एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर की। अब हमको पढ़ना है सेक्शन, चलो इसमें ऊपर वाले में एक बात लिख लो, अगर आपका रीजनेबल कोज है, रीजनेबल रीजन है कि भाई मैं इस वजह से फेल नहीं कर पाया था और डिपार्टमेंट आपके इस रीजन से सेटिस्फाइड है। कई लोगों को दो दो ढाई ढाई साल हो जाते हैं नहीं भरते, तो फिर क्या करें? इतनी भारी पेनल्टी बन रही है तो बचने के लिए क्या करते हैं फिर? भाई रीजन बताते हैं, अगर रीजन जेन्यून होता है, कोज जेन्यून होता है, तो फिर ये पेनल्टी नहीं लगती है।
तो कई बार आपसे मान लो केस बना के पूछ ले, बोले ये ऐसा ऐसा हो गया, रिटर्न लेट भरी, लेकिन फिर लिख दे के रीजनेबल कॉज की वजह से था, तो फिर पेनल्टी नहीं लगेगी, ध्यान रखिए। नो पेनल्टी विल बी लिवीड इफ डिले वॉज ड्यू टू रीजनेबल कॉज। रीजनेबल रीजन की वजह से डिले था भाई, ऐसे ही डिले नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 174। अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी अपील्स बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में। असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर निकाला, कोई डिमांड निकाली, असेसिंग ऑफिसर बताओ कौन से फॉर्म नंबर में डिमांड या ऑर्डर निकालेगा, बताओ कौन से फॉर्म नंबर में असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर या डिमांड निकालेगा। यस बेटा, फॉर्म नंबर टू में असेसिंग ऑफिसर अपनी डिमांड या ऑर्डर निकालता है, तो फॉर्म नंबर टू में उसने कोई ऑर्डर और डिमांड निकाला, आप उससे एग्रीव्ड हो, सहमत नहीं हो, तो फिर आप किसके पास जाओगे, हायर अथॉरिटी, उसके पापा के पास जाओगे। तो एओ के पापा कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है। और इससे भी दुखी हो तो कहाँ जाओगे फिर, इसके भी पापा के पास, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे आप, ये सिस्टम चलता है। चलिए तो पीसीआईटी, यस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास कब जाना है, जब आप एओ के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है। कितने दिन में जाना है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको जाना है, जब एओ ने ऑर्डर निकाला है वहां से। और फीस लगेगी यहां पर 1,000 रुपए की। एनएसएसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी ऑन हिम देन असेसी मे अपील टू कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। यहां पर जाएगी इन फॉर्म नंबर 3। और इसके साथ फीस भी लेंगे 1,000 रुपए की, अलोंग विथ फीस ऑफ रुपीज 1,000 विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर। जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर उसके पापा के पास चले जाओ, 1,000 रुपए की फीस लेंगे पापा, फॉर्म नंबर 3 भरना है और वो आपके देख लेंगे पॉइंट को। अगर इससे भी दुखी हो तो इससे भी ऊपर की अथॉरिटी, इनके पापा के पास जाना है, सेक्शन 175 आईटीएटी के पास में जाना है। सेक्शन 175 अपील टू आईटीएटी। यहां पर फॉर्म नंबर 4 भरना होगा। देखो फॉर्म नंबर 1 में क्या करते हैं, रिटर्न भरते हैं, असेसी भरता है रिटर्न,
फॉर्म नंबर टू में एओ डिमांड वगैरह इंटरेस्ट वगैरह मांगना हो तो फॉर्म नंबर टू में मांगता है। अगर आप एओ से दुखी हो उसके पापा के पास में जाना है तो फॉर्म नंबर थ्री में जाओगे, और अब इसके भी पापा के पास जाना है कमिश्नर के तो फॉर्म नंबर फोर में जाओगे। चाहे पापा के पास जाओ तो ₹1000 की फीस है, इसके भी मतलब दादा के पास एक तरीके से उसके पास में जाओ तो भी ₹1000 की फीस है। सेक्शन 175 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016, अपील टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT एन असेसी और ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स अंडर सेक्शन 174। भाई पापा कौन से सेक्शन में ऑर्डर देते हैं? 174 में देते हैं। दादा कौन से सेक्शन में ऑर्डर देते हैं? 175 में देते हैं। पापा के पास जाने के लिए फॉर्म नंबर थ्री भरना होता है, दादा के पास जाने के लिए फॉर्म नंबर फोर भरना होता है। दोनों की फीस इक्वल है, ₹1000 लगेगी। मैं अपील टू दी ITAT इन फॉर्म नंबर फोर along with fees of ₹1000 within 60 days। ये बात हो गई हमारी। ये क्लियर है बेटा? जल्दी से एक बार सभी बताइए तीनों सेक्शन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और लास्ट के दो छोटे छोटे सेक्शन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक और इस चैप्टर। चलिए बेटा, अब क्या करा गया कि जब ये इक्वलाइजेशन लेवी लाई गई तो इससे रेलिवेंट प्रोविजन कुछ इनकम टैक्स में भी डाले गए दो सेक्शन। तो उन दो सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो दो सेक्शन क्या डाले गए। तो एक सेक्शन डाला गया है सेक्शन 10 क्लोज 50। पहले तो इसकी हेडिंग लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। रेलिवेंट प्रोविजन अंडर इक्वलाइजेशन लेवी रिगार्डिंग इनकम टैक्स पहला है सेक्शन 10 क्लोज 50। इसको क्लोज क्यों बोल रहे? मैंने आपको इंटरमीडिएट लेवल से बताया हुआ है। सेक्शन 2 और 10 के अंदर सबसेक्शन नहीं होते, क्लोज होते हैं, ध्यान रखिए। ये सेक्शन जो है बेटा डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया। कैसे बनाया गया, आओ एक बार एक एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकली समझते हैं अपन इसको। जैसे हमारा एक असेसी है भाई फेसबुक, फेसबुक क्या करता था, एडवर्टाइजिंग सर्विस देता था हमको। फेसबुक हमें एडवर्टाइजिंग सर्विस देता था,
और इसको पेमेंट कौन करता था? टाटा, टाटा भी था और ओप्पो भी था, अपन अभी टाटा ले लेते हैं। ये लोग क्या करते थे, इसको पेमेंट करते थे। अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन याद हो कि कोई भी इनकम इंडिया से अक्रू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए, अक्रूड हो जाए इंडिया में या रिसीव्ड हो जाए, तो फिर चाहे आप ओआर हो, एनओआर हो या एनआरओ, सभी को देना होता है टैक्स। और इसके बाद अपन पढ़ने वाले वही वाला चैप्टर, क्योंकि वो भी अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपने बेसिक्स की क्लास लियो तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में ही जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो शामिल होता है और 8 नंबर तक का आता है। तो क्या होता था कि ये जो फेसबुक है ये टाटा को एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है, और ये एडवर्टाइजमेंट के बदले में इसको पेमेंट कर रहा है। बताओ इक्वलाइजेशन लेवी कौन काटेगा, फेसबुक या टाटा? इक्वलाइजेशन लेवी कौन काटेगा पेमेंट करते टाइम? सर टाटा। टाटा इक्वलाइजेशन लेवी काटेगा एडवर्टाइजमेंट के केस में, ठीक है। टाटा को इक्वलाइजेशन लेवी काटनी पड़ेगी जब वो फेसबुक को पेमेंट करेगा रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि फेसबुक तो नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी भी नहीं है, तो इससे जाकर के कैसे टैक्स ले? तो इसीलिए इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट लाया गया। और क्या बोला गया कि किसको डिडक्ट करनी होगी? टाटा। लेट से कि टाटा ने फेसबुक को 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, 1 करोड़ पर 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटी होगी, कितनी? 6 लाख रुपए की। और बाकी का जो पेमेंट है वो इधर कर दिया होगा 94 लाख का, 94 लाख का पेमेंट जो है इधर कर दिया। प्रोविजन ये बनाया गया कि अब जो फेसबुक है ना, फेसबुक को इस इनकम के ऊपर इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना, इतना सा प्रोविजन है। बात सिंपल सी है। अब वो जो रेजिडेंशियल स्टेटस बोलता है ना, अक्रूड या रिसीव्ड हो गया, तो फिर क्या होगा कि भाई नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा उस केस में। लेकिन बोला क्या गया कि अब फेसबुक को कोई टैक्स नहीं देना अगर फेसबुक की इक्वलाइजेशन लेवी कट चुकी है तो। ये बात यहां पर बोली गई, बस इतना सिंपल सा सेक्शन है और कुछ भी नहीं, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो इससे टैक्स लेते तो एक तो इसकी इक्वलाइजेशन लेवी कट गई उसी इनकम पर, और ऊपर से अब टैक्स और लगा देते तो डबल डबल टैक्सेशन हो जाता। तो देखिए बेटा सेक्शन क्या बोलता है, लैंग्वेज क्या है, आइए लिखते हैं। सेक्शन 10 क्लोज 50 वॉज बॉट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए लाया गया। और क्या बोला गया कि डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए कि जिनकी इक्वलाइजेशन लेवी कट गई है उनको अपनी इनकम पर टैक्स जमा नहीं कराना है। या फिर मान लो सेकंड केस हो तो सेकंड केस में तो अली बाबा जमा कराता था, तो अली बाबा ने अगर इक्वलाइजेशन लेवी 2% की जमा करा दी उसको कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज जो कि केस वन में थी, और ई कॉमर्स सप्लाई जो कि केस टू में थी, और इन पर क्या लग गई थी, इक्वलाइजेशन लेवी लग गई थी,
तो अब इसमें क्या होगा, ये जो इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, दिस इनकम विल बी एग्जम्प्ट इन दी हैंड्स ऑफ, किसके हैंड्स में इनकम एग्जम्प्ट होगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, पहला केस में किसके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगी और जो दूसरा केस था उसमें किसके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगी। फर्स्ट केस ये रहा अपना, बताओ किसके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगी, फेसबुक, फेसबुक के हैंड्स में, क्योंकि इनकम कमाई फेसबुक रहा था। सेकंड केस में किसके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगी, कौन कमा रहा है इनकम, देखो सेकंड केस में सर अलीबाबा कमा रहा है तो अलीबाबा के हैंड्स में, इनकम विल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ दो लोगों के हैंड्स में एग्जम्प्ट हो जाएगी ये इनकम, नॉन रेजिडेंट जो कि स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फेसबुक, जो कि केस वन में आया, और नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि हमारे केस के अकॉर्डिंग अलीबाबा। केस टू, तो ये बात है सिंपल सी कि अगर आपने इक्वलाइजेशन ली भी, आपकी ऑलरेडी कट गई है या आपने जमा करा दी है दूसरे केस के अंदर, खुद को करानी होती है, तो फिर उस केस में, उस केस में आपकी जो इनकम हो रही है ना वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बेटा जल्दी से आखिरी सेक्शन पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर। आखिरी जो सेक्शन है ना वो आपने पढ़ रखा है सिमिलर सा सेक्शन, तो पहले मैं एक बार लिखवा रहा हूँ उस सेक्शन को, फिर आप याद करना कि ऐसे ही नेचर का कोई सेक्शन आपने पढ़ा है क्या, क्योंकि पीजीवीपी में आपने ये सेक्शन पढ़ रखा है। इफ एनी पर्सन पर्सन की जगह पेमेंट करो, इफ एनी पेमेंट, बैक लेना स्क्रीनशॉट बताओ, क्लास में लिखते नहीं, इफ एनी पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज मेड टू non-resident on which equalization levy required to be deducted but equalization levy not deducted or deducted but not deposited to the government, then 100% of such expense will be disallowed।
डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन नेक्स्ट ईयर देन एक्सपेंस विल बी अलाउड इन नेक्स्ट ईयर। ऐसा प्रोविजन पीजीबीपी में क्या था कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसे अगर आपको उसका टीडीएस काटना था लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा तो 100% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता था, 100% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता था अगर आपको किसी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटना था लेकिन नहीं काटा आपने, या फिर काट लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया। वैसा ही सेम इक्वलाइजेशन लेवी के लिए, जैसे टाटा को फेसबुक को पेमेंट करते टाइम उसकी इक्वलाइजेशन लेवी काटनी है 6% की रेट से, अगर टाटा ने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटी या फिर काट ली लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराई तो टाटा को वो जो सारा का सारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ना वो डिसअलाउड हो जाएगा उसके पेमेंट। ये बात यहां पर है, तो सिंपली यहां पर बोल सकते हैं कि टाटा ने, अगर आपने एग्जाम्पल के थ्रू चले, टाटा और ओप्पो को फेसबुक की इक्वलाइजेशन लेवी काटनी थी, अगर उन्होंने नहीं काटी तो 100% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाए। ये था बेटा अपना इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट एंड चैप्टर। जल्दी से बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं, यस और नो, सारी बात एक बार जल्दी से मुझे कन्फर्म।